हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 साल के बच्चे के लिए एक सर्कुलर प्लाजो बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है और 5 साल के बच्चे के लिए हम यहाँ पे 1 मीटर में प्लाजो बना के तैयार करके लेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने फैब्रिक को इस तरह से ओपन किया और उसको ये देखिए उल्टा रखते हुए इस तरह से एक ट्रायंगल में हमने फोल्ड किया है। तो ये देखिए 1 मीटर कपड़ा हमने इस तरह से फर्स्ट एक ट्रायंगल में फोल्ड किया है। अब इसको हम ये देखिए इस तरह से एक और फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कपड़ा जो है वो फोल्ड हो चुका है। एक बार और देखें, ये देखिए इस तरह से पहले मैंने कपड़े को ट्रायंगल में फोल्ड किया, फिर ये देखिए एक साइड को मैंने उठा के दूसरे साइड में रखते हुए इसको एक और ट्रायंगल में रख के लिया है। अब यहाँ पे हमारा ओपन साइड है और इस पे हम मार्किंग करेंगे। क्लोज साइड मैंने मेरे तरफ रखा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा कपड़ा है ये मेरा 2 फोल्ड है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे कमर का 1/3 हिस्सा मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा 7 इंच आता है, उसके साथ में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा पकड़ रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है। इसी तरह से पूरी गोलाई में मुझे 8 इंच पे निशान लगाना है। और ये देखिए इस तरह से डॉट्स को जोड़ते हुए हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई है। अब यहाँ से नीचे की तरफ जो मेरे कपड़े की लंबाई है वो 20.5 इंच आ रहा है। तो ये देखिए मैं जितना है उतना पूरा यहाँ पे ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पूरी गोलाई में मैं 20.5 इंच पे मार्क करते हुए जा रही हूँ। इस तरह से मेरी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे डॉट्स को जोड़ते हुए एक पहले लाइन बना के लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी मार्किंग है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ से हम क्रॉस एरिया की मार्किंग करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा बेल्ट नहीं लगा रहे हैं तो 8 इंच पे ही मार्क करें। और यहाँ से देखिए मैंने 8 इंच पे मार्क करते हुए यहाँ पे क्रॉस में 2 इंच का यहाँ पे अंदर की तरफ एक मार्किंग लिया है। अब ऊपर से इस तरह से हम इसको जोड़ के लेंगे और यहाँ पर हम ये देखिए इस तरह से एक शेप देंगे, क्रॉच का शेप दे देंगे। तो इस तरह से जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे कट करके लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट करके लिया है और ये देखिए इस तरह से हमें सर्कुलर में 2 पीसेस मिल रहे हैं। एक कपड़ा मेरा ऑलरेडी उल्टा मैंने रखा है, तो अब हम यहाँ पे क्रॉच एरिया में सिलाई लगा के लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरे यहाँ पे क्रॉच एरिया में सिलाई लग चुकी है। अब ये देखिए हम सेंटर को पकड़ते हुए कपड़े को ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इससे जो हमारा क्रॉच एरिया है वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से पकड़ते हुए जो सेंटर है इसको ये देखिए इस तरह से हम इसको ठीक से पकड़ेंगे और ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। सेंटर से इसे हमें अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब हमें इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाने के लिए बेल्ट बना के लेना है। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक कपड़े का पीस लिया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से एक लंबी कपड़े की पट्टी हमने ली है। इस कपड़े की जो लंबाई है मुझे 26 इंचेस की चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 26 मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो कि मैं बाद में कट कर लूँगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 5 इंच की रखी है। अब इस पट्टी को हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हमें इसे पकड़ना है और यहाँ पे साइड में हमें एक सिलाई लगा के इसे अटैच करना है। इसमें साइड में सिलाई लग जाने के बाद में ये देखिए सर्कल में हमें, ये देखिए पहले हमें इस तरह से 1/2 इंच का एक फोल्ड लेना है और उसके बाद में ये देखिए 1 इंच का एक फोल्ड लेना है। इस तरह से हमें, ये देखिए इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा के लेनी है और इसमें हम बीचों बीच में या फिर साइड में 1 इंच की खुली जगह छोड़ेंगे। तो पहले हमें साइड अटैच करना है और उसके बाद में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये देखिए पहले हमने यहाँ पे साइड अटैच किया है और उसके बाद में ऊपर की तरफ भी हमने फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है। अब हमें इसे यहाँ पे देखिए जो हमने पैंट रेडी की है उससे अटैच करना है। तो जो हमने बेल्ट रेडी की है उसको ये देखिए हमें सीधी तरफ से पकड़ना है। सीधी तरफ से पकड़ते हुए ये देखिए इस तरह से इसको हमें अंदर की तरफ डाल देना है। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ डालना है और पूरी गोलाई में हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। इसमें हम यहाँ पे देखिए जॉइंट को एक साइड में पकड़ेंगे, आप चाहे तो फ्रंट या बैक में पकड़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें यहाँ पे देखिए जो बेल्ट हमने लगाई है उसे बाहर की तरफ निकाल के लेना है और उसके बाद में जो पैंट है इसे देखिए इस तरह से हमें सीधी तरफ मोड़ के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो पैंट है इसे सीधी तरफ मोड़ के लिया है।
अब इसमें हम यहाँ पे देखिए जो हमने बेल्ट लगाया है, ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से हमें एक और सिलाई लगानी है। तो ये देखिए बेल्ट के ऊपर से हमारी यहाँ पे सिलाई लग चुकी है, और यहाँ पे एक देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पे एक इंच की जगह छोड़ी है इलास्टिक को अंदर डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये देखिए 17 इंचेस का इलास्टिक ले रही हूँ। इलास्टिक का जो साइज़ है वो बच्चे के कमर के साइज़ से 3 या 4 इंच हमें कम लेना है। तो अब हमें यहाँ पे देखिए जो इलास्टिक है इसमें यहाँ पे एक हम पिन लगा के लेंगे, और पिन को लगाते हुए देखिए इस तरह से हमें इसे अंदर की तरफ डाल देना है। ये देखिए हमें एक साइड से इसको शुरू करते हुए दूसरी तरफ से हमें इसी तरह से अंदर डालते हुए बाहर निकाल देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इलास्टिक डाल के ली है। अब हमें इलास्टिक के दोनों ही साइड्स को पकड़ना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। इलास्टिक में सिलाई लग जाने के बाद में हमें ये देखिए जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा गैप छोड़ा था उसमें भी सिलाई लगा के इसे तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा इलास्टिक है वो यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरह से जो हमारा पैंट है वो ऊपर की तरफ से कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पे नीचे की तरफ से देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। आप चाहे तो पीको भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पे बॉटम में पाइपिंग करके ली है। ये पाइपिंग हमने किस तरह से की है इसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो इस तरह से जो हमारा प्लाजो पैंट है सर्कुलर प्लाजो बनके तैयार है। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जिससे आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।